दोस्त, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार की बेगूसराय जिले से निकलकर सामने आई थी, जहां एक महिला पति के परदेश जाते ही अपने जवान देवर को दिल दे बैठी और रात के अंधेरे में उसे रूम में बुलाकर उसके साथ मजे से शारीरिक संबंध बनाने लगी। तभी एक रात पति ने पत्नी को छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ रूबी नाम की महिला अपने पति रमेश और देवर दिनेश के साथ रहा करती थी। शादी के 8 साल बाद पति रमेश अपने छोटे वाले साले के साथ प्रदेश कमाने चला गया। पति के परदेश जाते ही पत्नी रूबी की जवानी उफान मारने लगी और उसे जिस्म की भूख सताने लगी, जिसके चलते पत्नी रूबी बहुत परेशान हो गई। एक दिन की बात है, जब पत्नी रूबी दोपहर में लेटकर आराम कर रही थी, तभी अचानक उसका देवर उसके पास आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हो? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा। यह सुनते ही उसकी जवान भाभी का मन डोल गया और उसे अपना दिल दे बैठी, लेकिन वह देवर के डर से कुछ बोल नहीं पाई और मन ही मन रात होने का इंतजार करने लगी। इधर जैसे ही रात हुआ और वह खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर जाकर सोया, तो उसकी जवान भाभी उसके बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर जैसे ही उसकी भाभी का शरीर उसके शरीर में टच हुआ, तो वह तुरंत जाग गया और जवान भाभी को बिस्तर पर पाकर उसके शरीर का सोया हुआ कामदेव जाग गया। अब दोनों के अंदर कामदेव जाग चुका था, लिहाजा दोनों ने उस रात एक दूसरे से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद अब दोनों आए दिन रात के अंधेरे में एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाने में लगे हुए थे। अब कभी भाभी देवर के रूम में आकर तो देवर भाभी के रूम में जाकर हम बिस्तर होने लगे थे। इसी तरह दोनों करीब 1 साल तक एक दूसरे के जिस्म की भूख को पूरा करते रहे। इस बीच रूबी का पति रमेश प्रदेश से वापस अपने घर आ गया, जिसके चलते भाभी और देवर का मिलन नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान थे। एक रात की बात, जब पत्नी रूबी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी अचानक उसे अपने देवर की याद सताने लगी, जिसके बाद वे पति के साथ संबंध बनाने के बाद लघुशंका करने के बहाने देवर से मिलने उसके रूम में चली आई और उसके साथ अपनी प्यास को पूरी करने लगी। तभी अचानक उसके पति को भी लघुशंका लग गई और वह जैसे ही अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा, तभी उसे अपने भाई के रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद वे तुरंत अपने भाई के रूम के पास गया और खिड़की से झांक कर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पत्नी रूबी अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध बना रही है। ये देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और दोनों को जोर जोर से डांटने लगा, जिसके बाद भाभी और देवर दोनों डर गए और पॉल खुलने के डर से भाभी ने देवर के साथ मिलकर अपने पति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों रातों रात फरार हो गए। जब सुबह हुआ तो परिजनों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विस्तार से जांच करते हुए आरोपी भाभी और देवर को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो देखा दोस्तों, आपने बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।